आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। अब नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे ईमेल सिक्योरिटी कल हमने पढ़ी थी, तो ईमेल सिक्योरिटी जैसा ही नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक महत्व का विषय है। क्यों महत्व का विषय है? क्योंकि हम विदाउट नेटवर्क हम रह ही नहीं सकते। बेसिकली जब हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पे, संप्रेषण करते हैं, तो ऐसे इसमें केवल और केवल हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं, चाहे वो वायर्ड हो या चाहे वो वायरलेस हो, वाईफाई या वायर्ड। अब अगर मान लीजिए कि आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है, आपने केवल आपका डेस्कटॉप सिक्योर कर लिया पर आपका ये बीच का नेटवर्क सिक्योर नहीं है, तो डेफिनेटली आप पर साइबर अटैक होने के चांसेस है। अब ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, फिर नेटवर्क के डिवाइसेस क्या होते हैं, और नेटवर्क सिक्योरिटी में किस तरीके के अटैक हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिस्क। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिस्क का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑथेंटिकेट व्यक्ति नहीं है तो वो नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। आप अगर इंटरनेट विश्वविद्यालय का एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, आप आ गए और आपने एकदम से एक्सेस करना शुरू कर दिया उस वाईफाई नेटवर्क को। ऐसा हुआ है क्या? नहीं, आपको बकायदा, आप स्टूडेंट है, आप ऑथराइज्ड हैं, और ऑथराइजेशन होने के बाद में आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया और उसके बाद में यूज़ करने को बोला गया। तो इस वजह से ऑथराइज्ड एक्सेस ही महत्वपूर्ण होता है। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई नेटवर्क को करता है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, रिस्क फैक्टर भी है। अब ये जो दूसरा बिंदु है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू अडाप्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर नेटवर्क फ्रॉम द पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। अब ये नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है किसकी जिम्मेदारी होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। अब जैसे कि अपने यहाँ पर लीला विभाग है, उस लीला विभाग में अपने विश्वविद्यालय का जितना भी नेटवर्क है वो नेटवर्क का मैनेजमेंट वहाँ से होता है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की वहाँ जिम्मेदारी होती है कि पूरा नेटवर्क को सेफ रखना। कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर इन्वॉल्व इन रेगुलर ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशन विद इन द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल और बिजनेस रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। अब कोई भी इन पर्सन अगर करता है तो इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, पर आपके कुछ गवर्नमेंट सीक्रेट्स है वो भी हम लोग आदान प्रदान करते हैं। पहले क्या था, लोग जाते थे घोड़े घोड़े पे बैठ के कुछ सीक्रेट्स लेके जाते थे, दूसरे तरफ दे आते थे, पर अभी उतना है नहीं, दुनिया फास्ट हो गई है। तो आपके गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हो, चाहे आपके बिजनेस के इम्पोर्टेंट मेल्स हो, वो सारा का सारा आपका नेटवर्क के थ्रू ही कम्युनिकेट होना है। नेटवर्क उसमें है, विदाउट नेटवर्क आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इस वजह से उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दिस इज़ द मोस्ट एंड सिंपल वे, द प्रोटेक्टिंग अ नेटवर्क रिसोर्स इज एज असाइनिंग इट एज अ यूनिक नेम एंड करस्पॉन्डिंग पासवर्ड। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको पासवर्ड के बिना कोई भी आप नेटवर्क एक्सेस नहीं कर सकते। आपका पासवर्ड है एक्सेस करने का, आप नेटवर्क को एक्सेस करना है तो आपको उधर हिंदी विश्व वाले इस पर जाके, पोर्टल पे जाके लॉग इन नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। तो पासवर्ड इज़ अ मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस टू एक्सेस द नेट सो दैट अनऑथराइज्ड यूज़र वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस इट। अब ये कुछ प्रिलिमिनरीज थी, अब देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी के डिवाइसेस कौन से। अब नेटवर्क को सिक्योर करना है ये तो समझ में आ गया ना आपको कितना इंपॉर्टेंट है, तो नेटवर्क सिक्योर करने के कुछ डिवाइसेस भी हैं। तो मोटा मोटी हम लोग दो तरीके के डिवाइस पहले देखते हैं, दो तरीके के डिवाइसेस है, एक्टिव डिवाइसेस और दूसरा है पैसिव डिवाइस। अब एक्टिव डिवाइस का मतलब ये है कि आपके जो डिवाइस है वो डायरेक्टली काम करते इन द सेंस, जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस, स्कैनिंग डिवाइसेस और कंटेंट फिल्टरिंग डिवाइसेस, ये एक्टिव डिवाइसेस हैं। वो क्या करते हैं,
आपके एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइस है आपके पास में, तो क्या करेगा वो वायरस आएगा तुरंत ही उसको स्कैन करेगा और तुरंत उसको क्वारंटाइन कर देगा या फिर उसको हटा देगा, डिलीट कर देगा, प्रोसेस करेगा उस पर, ताकि आपका सिस्टम वायरस से बचा रहे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्शन हो रही है, सीधा एंटीवायरस उस पर एक्शन कर रहा है। दूसरा कंटेंट फिल्टरिंग है। मान लीजिए कि आपके नेटवर्क पे ऐसे कुछ कंटेंट आते हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आते हैं, कुछ फाइलें भेजी जा रही है, तो वो फाइलें अगर एग्जीक्यूटेबल्स है तो उसको वो कंटेंट देखेगा कि वो सही में ऑथराइज्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कंटेंट फिल्टरिंग डिवाइस उसको ब्लॉक करके रख देगा, कि फिल्टर जैसे बताते हैं ना हम लोग, जैसे चाय पीते हैं तो चाय पत्ती वो रहती है, चाय निकल आती है तो फिल्टर हो जाती है, तो उसी तरीके से जो अनवांटेड चीज़ है वो फिल्टर करके वो आगे बढ़ाएगा नेटवर्क में। तो ये आपके एक्टिव डिवाइसेस है। अब पैसिव डिवाइसेस पता है क्या होते हैं, कि वो पैसिवली काम करते हैं, जैसे कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसे IDS बोलते हैं, IDS या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन अप्लायंसेस। ये क्या करता है कि आपके नेटवर्क पे कोई ट्रैफिक आ रही है, अनवांटेड ट्रैफिक आ रही है, जैसे कि पैकेट्स आ रहे हैं, IP पैकेट्स आ रहे हैं अनवांटेड, तो इंट्रूजन डिटेक्शन क्या करेगा कि ये कुछ अलग पैकेट्स है, ये अनवांटेड पैकेट्स है, ये रिपोर्ट करेगा, इंट्रूजन डिटेक्ट करेगा, उसको रोकथाम नहीं करेगा, समझ में आई बात, डिटेक्ट करके आपको रिपोर्ट दे देगा कि हाँ ऐसा कुछ ना, ऐसे कुछ अजीब हलचल आपके नेटवर्क में हो रहे, दे आर सस्पिशियस पैकेट्स दैट हैज बीन अराइव्ड इन योर नेटवर्क। तो क्या हो गया, पैसिव हो गया, पर यहाँ एंटीवायरस क्या करेगा, स्कैन करेगा, उसको रोक देगा, ये सिर्फ रिपोर्ट करेगा, इंट्रूजन डिटेक्ट करेगा। आ रही बात ध्यान में? तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसको डिटेक्ट करेगा और रिपोर्ट करेगा, उसकी यहाँ पे रोकथाम की बात नहीं की जा रही, इसलिए वो पैसिव है। आ रही बात ध्यान में? प्रिवेंटिव डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस है, अब ये दो मेजर टाइप्स तो है ही एक्टिव और पैसिव के, पर प्रिवेंटिव डिवाइसेस भी है जिसमें कि हम लोग सिक्योरिटी को प्रिवेंट कर, मतलब सिक्योरिटी बना के रख सकते हैं और अनवांटेड जो भी अटैक्स है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये डिवाइसेस क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क को स्कैन कर देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को स्कैन करते हैं और उस स्कैनिंग में जो भी रिस्क है वो रिस्क को वो सॉल्व भी करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो मैंने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की पहले बात की, अब आगे जो स्टेप है वो है इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन। ठीक है, पहले IDS क्या करता है, इंट्रूजन डिटेक्ट करता है, पर इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन कौन करेगा, ये प्रिवेंटिव डिवाइसेस। मतलब ये पैसिव, एक समझ सकते हैं कि ये पैसिव डिवाइसेस और आपके प्रिवेंटिव डिवाइसेस हैंड टू हैंड काम करते हैं। ये पैसिव डिवाइस क्या करेगा, सिर्फ डिटेक्ट करके रख देगा, फिर प्रिवेंट करने वाला कोई और एक डिवाइस वहां पे लगा होगा जो कि प्रिवेंट भी करेगा। अगला है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। अब ये अभी नया चलन है यहाँ पे कि आपका एंटीवायरस है, आपका कंटेंट फिल्टरिंग है, आपका इंट्रूजन डिटेक्शन है, इंट्रूजन प्रिवेंशन है, ये सब कुछ चीज़ें के लिए हम लोग क्या अलग 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 ये करेंगे कि अभी तो ऑल इन वन का ज़माना है, तो हम उस ऑल इन वन को क्या कहेंगे, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। दीज डिवाइसेस आर ऑल इन वन सिक्योरिटी डिवाइसेस, उसमें फायरवॉल भी आ गया, उसमें कंटेंट फिल्टरिंग भी आ गया, उसमें वेब कैशिंग और कई सारे फैसिलिटीज़ आ गए। अब ये आते हैं कि फायरवॉल का समझते, आपने कभी सुना है फायरवॉल का नाम, नहीं सुना है। फायरवॉल मतलब है अग्नि की दीवार। अग्नि की दीवार कोई लांग सकता है क्या, नहीं, जल जाएगा। तो ऐसा ही मतलब यहाँ पे है कि आपके कंप्यूटर पे, आपके नेटवर्क में, अब आपके पास लैपटॉप है, आप कभी देखिए फायरवॉल इनेबल्ड है या नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होता है। इट इज़ रेकमेंडेड टू
keep your firewall enabled. Always. ठीक है, तो ये जो फायरवॉल है, ये फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो आपके अनवांटेड ट्रैफिक को रोकता है. नेटवर्क से कई सारे ट्रैफिक आपके लैपटॉप पर आ रहे हैं, आपके सिस्टम पर आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चल रहा है. ये तो सिर्फ मैं ओपन करके देख रही हूँ कि मेरा PPT चल रहा है या फिर मेरा और कोई नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क की साइट चल रही है, पर ऐसा नहीं है. पीछे में कई सारे नेटवर्क ट्रैफिक आपके यहाँ कोई कुछ डाउनलोड कर हो रहा है, कोई ऑटोमेटिक अपडेट दे रहा है. तो इस तरीके से फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल एक तरीके का बैरियर है, एक तरीके का जिसे बोलते हैं ना कि हम जिसे हम लोग लांग नहीं सकते, ऐसी एक दीवार है. अगर ये दीवार कौन लांगेगा या कौन आएगा नेटवर्क में, जो ऑथेंटिकेट है वही. तो फायरवॉल का काम ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी को बनाए रखना. हम लोग कंपाउंड करते हैं ना घर के बाहर चारों तरफ, तो उसी तरीके से फायरवॉल का काम है कि बाहर का जितना भी नेटवर्क ट्रैफिक है वो आपके घर के अंदर ना आए. और वो अंदर कैसे ना आए, वो ऐसा कि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं. वो देखता है कि हाँ, जैसे डिटेक्ट हो गया कि फायरवॉल में कि अरे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो फायरवॉल आपको तुरंत ये दे देती है कि डोंट ओपन दिस लिंक, डोंट ओपन दिस लिंक, इट माइट बी रिस्की. ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है. अब दो तरीके के फायरवॉल होते हैं, एक हार्डवेयर बेस होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर बेस. अब हार्डवेयर बेस में सिंपल चीज़ है कि हार्डवेयर डिवाइस एक डेडिकेटेड फायरवॉल डिवाइस होता है, उसको अटैच करो कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ अटैच करो, वो अपना काम करता रहेगा. दूसरा है कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल. सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपको आपके सर्वर पे, आपके कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. जैसे कि हमारे लैपटॉप्स में हम फायरवॉल कौन सी यूज़ करते हैं, वो होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल. अब जब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं ना, जहाँ पे बड़ा बड़ा, जैसे अमेज़ॉन का डेटा सेंटर है, IBM का डेटा सेंटर है, वहाँ पे जो डिवाइसेस लगे होते हैं उसमें से एक डिवाइस खास फायरवॉल का ही होता है. इतना सेफ्टी, वो डेडिकेटेड सेफ्टी करते हैं. तो दो तरीके के हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर फायरवॉल. ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया है. अब एंटीवायरस के बारे में, एंटीवायरस क्या होता है? वायरस, एंटीवायरस मतलब उसका एंटी. जो भी वायरस होगा, जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा, उसको क्वारंटाइन करना, उसकी रोकथाम करना, उसको डिलीट करना, ये काम होता है एंटीवायरस का. अब क्या है कि एंटीवायरस अगर आपके सर्वर पे नहीं है, आपके नेटवर्क में नहीं है, तो डेफिनेटली आपके अंदर वायरस आ जाएगा, आपका मैलिशियस कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा. उससे क्या होगा कि आपके फाइलें बड़े बड़े जो नेटवर्क से रिलेटेड है वो करप्ट हो जाएगी. हो सकता है कि आपका नेटवर्क कोलैप्स हो जाए, ये भी हो सकता है. अब ये जितने भी एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस कई सारे मालवेयर्स को प्रिवेंट करती है, जैसे कि वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्सेस है, एडवेयर, स्पाईवेयर और की लॉगर्स. अब वॉर्म्स आपको पता है कि खुद से रेप्लिकेट होता है. ट्रोजन हॉर्स पता है आपको क्या होता है, कि आपका ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का मालवेयर है जिसके अंदर वायरस या कोई ऐसा छुपा रहता है पर वो दिखता नहीं है. एडवेयर्स है, एडवर्टीजमेंट आती है और आप उसके लालच में आ जाते हैं कि अरे 1 रुपये में मोबाइल फ़ोन, एप्पल का 15 प्रो 1 रुपीज में फट से क्लिक कर लिया. फिर आंजनी ने तो पता तो है ही कि अरे एप्पल का खरीद लेते हैं. उसके बाद में स्पाईवेयर, स्पाईवेयर्स जो आपके हरकतों पर नज़र रखते हैं. और की लॉगर्स मतलब आप जो भी की दबाएंगे उसका लॉग वो तैयार करते हैं. तो की लॉगर्स क्यों रिस्की है, क्योंकि पासवर्ड भी तो आप दबाएंगे, वो की लॉग आपके नेटवर्क में किसी और को चला जाएगा. तो ऐसे भी डिवाइसेस, ऐसे भी जो सॉफ्टवेयर्स है जो कि मैलिशियस है, उनकी रोकथाम के लिए हमें एंटीवायरस ज़रूरी है.
तो कंटेंट फिल्टरिंग पे आएंगे, कंटेंट फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी कंटेंट जो अनवांटेड है उसको फिल्टर करके ही एक्सेस करना है नेटवर्क में। कई बार ये है कि वेब फिल्टरिंग का मतलब है, कई सारे वेबसाइट्स हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं क्लिक करते रहते हैं, पर सडनली आपको मैसेज आता है कि योर नेटवर्क हैज़ ब्लॉक दिस वेबसाइट। अब जैसे कि फेसबुक वगैरह अपने नेटवर्क पे 3 बजे के बाद खुलता है, तो क्या होता है वो, अगर आप अभी फेसबुक देखेंगे खोल के तो बोलेगा ये ब्लॉक की गई है साइट। किसने की, आपने, मैंने, नहीं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने, वहाँ से आप नहीं मैंने और कोई भी उसको खोल नहीं सकता। क्या हो गया, ये कंटेंट फिल्टरिंग हो गया ना, मेरी तो रिक्वेस्ट वहाँ जा रही है फेसबुक के सर्वर की तरफ जा रही है। अब जैसे ही रिस्पॉन्स आता है फेसबुक से, रिस्पॉन्स आना मतलब वेबसाइट खुलना, तो फट से नेटवर्क क्या करता है, वहीं पे फिल्टर कर देता है उसको। अरे भाई जाओ, तुम चाय पत्ती हो अभी नहीं आ सकते। तो वेब फिल्टरिंग होता है। फिर स्क्रीनिंग ऑफ वेबसाइट्स और पेजेस, वेबसाइट कौन सी विजिट करनी है और कौन सी नहीं करनी है, कौन से पेजेस मैलिशियस है। फिर ईमेल फिल्टरिंग भी होता है कंटेंट फिल्टरिंग में, जैसे हम लोग स्पैम, कौन से, मान लीजिए कि कोई ईमेल आता है तो पहले वो तो नेटवर्क में ही आता है ना, नेटवर्क में आने के बाद में फिर वो उस बॉक्स में चला जाता है। तो कंटेंट फिल्टरिंग यहाँ पर भी होती है कि आपका ईमेल भी फिल्टर हो सकता है कि वो ऐसा ईमेल अंदर ही ना आए। अब उसके बाद में स्पैम के लिए हो गया, स्पैम भी होता है, और अदर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, अदर ऑब्जेक्शनेबल कई सारे कंटेंट हो सकते हैं जो कि हम लोग फिल्टर करना चाहते हैं, नेटवर्क में नहीं आने देना चाहते, तो ये कंटेंट फिल्टरिंग भी डिवाइसेस है। तो हम लोग आज कंटेंट फिल्टरिंग के बारे में हमने पढ़ा और फायरवॉल के बारे में, उसके साथ ही हमने पढ़ा वे अलग अलग डिवाइसेस के बारे में, नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। ठीक है,